आज की क्लास में मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे अच्छी बात क्या है, ये वही ऑर्गेनेल है जो बच्चे बच्चे को बचपन से पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब अगर हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं तो जरूर उसका कोई रीजन होगा। तो रीजन सिंपल सा ये है कि जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, ध्यान देंगे एनर्जी करेंसी बोल रहे हैं। बोलने का क्या मतलब है कि जैसे अभी आप इंडिया में हैं तो यहाँ पे आपकी करेंसी जो है आप रुपीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला आपने सेम शेप का पेपर कटिंग करके उसके ऊपर 500 लिख दिया, और अगर आप गए दुकान वाले से सामान मांगने के लिए, तब तो आपको देगा नहीं। अब जो एग्जैक्टली जो करेंसी है वही आपको देना पड़ेगा, तभी आपको जो चीजें चाहिए वो आपको शॉप वाला देगा। शॉप में जाइए, मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ सेल के अंदर, पूरे सेल के अंदर अगर हम पूरे सेल को देखते हैं तो पूरे सेल में 50,000 से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और चाहे कोई सा भी कैसा भी दुनिया का केमिकल रिएक्शन क्यों ना हो, सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो केमिकल रिएक्शन कोई भी सेल परफॉर्म करेगा उसके लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। और जब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी का सोर्स चाहिए। सोर्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, बनाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है जिससे आप फर्स्ट डे सीख रहे थे, वहां पे ऐसे बचपन में जो आप बनाते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाते थे। क्योंकि यहाँ पे वन माइटोकॉन्ड्रियन आपको दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रियन ही बोलते हैं वन को, बट बोलते बोलते क्या है ना, वो हम लोगों के ना टंग में एक तरीके से वो स्टिक हो गया है कि बोलते वक्त हम क्या बोलते हैं फ्लो में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो एक अगर है आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियन। अगर सिंगल है तो माइटोकॉन्ड्रियन, अगर आपको एक से ज्यादा दिख रहा है तब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। बोलने का क्या मतलब है, भले इतना छोटा सा डायग्राम है लेकिन इतना सारे बच्चों को दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे ऐसे कुछ इन फोल्डिंग्स बना रखे हैं। आउट फोल्डिंग होता तो बाहर होता ना, ये इन फोल्डिंग क्या है, ये बहुत सारे इनफोल्डिंग्स यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। अब ये जो इनफोल्डिंग्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहाँ दिख रहा है आपको? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो इनफोल्डिंग आपको नजर आ रहा है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो इनफोल्डिंग आपको दिख रहा है ये कौन सा मेम्ब्रेन शो करेगा, बाहर वाला आपको शो कर रहा है या अंदर वाला, आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन? मैम इनर मेम्ब्रेन ठीक है, वेरी गुड। इनर मेम्ब्रेन शो कर रहा है, कौन शो कर रहा है, इनर मेम्ब्रेन। तो हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन इज रेगुलर एंड यूनिफॉर्म व्हाइल इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स वैरायटी ऑफ इनफोल्डिंग्स। ये इनर मेम्ब्रेन जो है बहुत सारे इनफोल्डिंग्स को बनाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये बहुत सारे इनफोल्डिंग्स को बनाने का काम कर रहा है। कौन, इनर मेम्ब्रेन। तो जो ये इनफोल्डिंग्स बना रहा है तो जरूर उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ यूज होगा। और एक और चीज, पूरी लाइफ टाइम के लिए बायो के लिए एक बात याद रखेंगे, कभी भी कहीं भी अगर इनफोल्डिंग हो, इवन कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों ना हो जाए, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या है, बहुत सारे फोल्डिंग्स हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। तो कहीं भी अगर ये सुपर फोल्डिंग्स अवेलेबल होते हैं तो आप समझ जाइए कि अच्छा, उसको क्या करना है, सरफेस एरिया बढ़ाना है। और सरफेस एरिया ना मतलब इसलिए बढ़ाया जाता है किसी को कोई चीज ज्यादा चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई बहुत ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एचओडी कौन है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। आप बहुत, हाँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, आपको सब कुछ खाने को मिल रहा है, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब करने से मना कर दिया, फिर क्या होगा, सारी चीजें जीरो, फिर वो यूजलेस है वो। तो अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके पास एक और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि वो चाहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करे, जिसके लिए वो वहां पे बहुत सारे फोल्डिंग्स को शो करता है। ठीक उसी तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को आपने बोला इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों हम बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी बना रहा है।
क्या कर रहा है, ये एटीपी बना रहा है, एटीपी बना रहा है तो क्या हो गया, एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, अब दूसरी बात, जो अभी भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपने आंसर भी करा था कि सेल के ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं जिनको हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, मतलब दूसरी भाषा में अगर बोला जाए जिनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, तो एक आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपके पास क्लोरोप्लास्ट, दो ही हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस तो भाई वैसे भी जाना जाता है जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने के लिए। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो इसके इनफोल्डिंग्स को हम एक नाम देते हैं, अगर एक है तो क्रिस्टा, अगर प्लूरल है तो क्रिस्टी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, क्रिस्टा। अगर एक को आपको बोल, अगर एक को हम यहाँ पे लेबल करेंगे ये, तो क्रिस्टा हो जाएगा, CRISTA। अगर आपको इसका प्लूरल बोलना है तब हम लोग इसको क्रिस्टी बोलेंगे। अब देखिए फिर से जो मैं बता रही हूँ। मैम हाँ मैम, इसके इनफोल्डिंग्स को हम लोग मीजोसोम्स नहीं बोल सकते? नहीं 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 मीजोसोम सिर्फ बैक्टीरिया में बोलेंगे, समझ गए, मीजोसोम है ना। ओके हाँ, सिर्फ बैक्टीरिया के केस में, वो भी जब मीजोसोम की बात करेंगे ना तो ऐसा नहीं है वो, उसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो वो इनफोल्डिंग क्या है, प्रॉपर पोजिशन पे आपको देखने को मिलेगा, और उसको हम मीजोसोम अगर बोल भी रहे हैं तो वो देखिए ऐसे ना आपको एक पोजीशन पे दिखेगा, मैं आपको शो करती हूँ मीजोसोम, अगर कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करना जरूरी है। ये देखिए, अगर इसके बारे में लोग बात, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम मीजोसोम, ये देखिए मीजोसोम ये रहा है ना, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, इनफोल्डिंग तो है एक ही है यहाँ पे, और इसका बहुत अलग अलग तरह का काम है क्योंकि ये बेचारा क्या है, प्रोकैरियोटिक, तो वहां पे क्या करेगा, किससे काम चलाएगा, ये मीजोसोम से काम चलाएगा, इसका बहुत सारा वैरायटी ऑफ फंक्शन, तो ये मीजोसोम नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है मीजोसोम से, बस इतनी बात अभी याद रखनी। हाँ अब सुनेंगे ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ, फिर से, बाहर के मेम्ब्रेन को बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, एनी डाउट, नो मैम, बाहर वाले मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, ये पता है इनर मेम्ब्रेन इसकी बात कर रहे हैं हम लोग जो क्रिस्टा फॉर्म कर रहा है, बार बार समझेंगे ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ, तो आपने इसको बोला इनर मेम्ब्रेन, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक और चीज भी तो है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिख रहा होगा सारे बच्चों को, है तो दिखेगा ना, बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, यस मैम, तो इन इट्स नॉट इंट्रा, ये इंटर लिखा है, इंटर का मतलब होता है बीच में, द स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये कौन सी बड़ी बात होगी, बहुत आसान है, मेम्ब्रेन स्पेस मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, तो हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है हमने इसका नाम दे रखा है, समझ आया आपको। अब कई जगह पे क्या होता है ना, बच्चा फर्स्ट डे गया और टीचर्स क्या करते हैं, उसको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसका एक साइड इफेक्ट दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए प्लांट फिजियोलॉजी जब बच्चा फर्स्ट डे पढ़ता है ना, मतलब किस लॉजिक से शुरू किया जाता है उसको, तो खैर मैं कभी आज तक समझ नहीं पाई, जब हम लोग बात करते हैं तो एक देखिए मैं आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैं वही डायग्राम आपको दिखाऊंगी जो आपकी एनसीईआरटी का है, कहने को तो काउंटलेस होते हैं इमेजेस बट उसे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए आपके पास ना आपके बुक में प्लांट फिजियोलॉजी में एक डायग्राम होगा, क्यों यहाँ पे बता रही हूँ उसका रीजन है, एक इसको रहने दीजिए, ये यहाँ पे, और एक वापस हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो दूसरे प्रीवियस पेज पे है ना, तो उससे आपका काम नहीं चलेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपको सामने रखना पड़ेगा बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने के लिए। ठीक है, अब फिर एक चीज यहाँ पे एनालाइज करेंगे, हाँ अगर थोड़ा और अच्छा करना है तो इसको इधर करना पड़ेगा और इसको इधर करना पड़ेगा, इसका लॉजिक भी समझाती हूँ क्या रीजन है, ये इधर कर दिया मैंने राइट साइड में, इसको मैंने कर दिया लेफ्ट साइड में, अब देखेंगे कितनी बड़ी बात मैं आपको अभी सिखा रही हूँ, छोटा सा है लेकिन बिल्कुल क्लियर डायग्राम है, बहुत अच्छा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम की बात करूं, ये तो खैर आपके बुक का ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, देखिए अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि इसके पास बाहर वाला मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, जिसमें बहुत सारे इनफोल्डिंग्स अवेलेबल हैं, दैट इज इनर मेम्ब्रेन, एंड द इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टा, प्लूरल इज क्रिस्टी,
एंड द फ्लूड फिल्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूड भरा हुआ है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इतना याद हो गया सबको, है ना? इतना सबको याद हो गया। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच का जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये दोनों के बीच का जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और जो यहाँ पे फोल्डिंग्स है क्रिस्टा है। आप समझिए ध्यान से, जब ये होता है ना, आपको पता है हम क्यों बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? आप समझेंगे ध्यान से। हमें करना क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पे डायग्राम अवेलेबल है, हमें ना इसके छोटे से पोर्शन को कट करके जूम करके देखना है। कैसे, सो समझेंगे ध्यान से। मैंने क्या जूम करा है देखिए, मैं बताती हूँ अभी आपको। यहां मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है? अब समझेंगे ध्यान से, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लूं, ज्यादा बड़ा करूंगी तो फिर आपको समझने में दिक्कत आने लगेगी। इतना ठीक है, हाँ इतना काटा है हमने, ठीक है? अब समझेंगे ध्यान से, इतने पोर्शन को कट किया है, कोई दिक्कत है? अब मुझे ना जो जो पूछ रही हूँ, हाँ उस क्वेश्चन का ना आप आंसर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, ये जो फ्लूड यहाँ पे भरा हुआ है ये क्या है? सिर्फ इस बॉक्स के अंदर, ठीक है? वेरी गुड, ये रहा मैट्रिक्स, कोई दिक्कत? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। वेरी गुड, इट्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लियर? यस मैम। देन क्वेश्चन इज दैट, ये जो स्काई कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेस, इसका क्या नाम है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब आपको ना ये बात समझ आ रही होगी, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेल चैप्टर। एक्चुअली जो सेल चैप्टर है वो इतना बड़ा फाउंडेशन तैयार कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जब ये प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, आपको अगर बिलीव नहीं है उसको निकाल के चेक कर लेंगे, वहां पे लिखा हुआ है द साइट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या हमने इस पूरे सीरीज में कहीं भी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का कोई जिक्र करा है क्या? हमने तो नहीं बोला, है भी नहीं यहाँ पे, देखिए बस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक ही करके मैं दिखाती हूँ। इसका बोलने का मतलब हो गया कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके भी अंदर की तरफ इनर साइड में ये देखिए एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दिखा सबको? यस मैम। और अभी अभी आपने जो एक इमेज देखा था उसमें आपने एक चीज नोटिस करी कि एटीपी सिंथेज लिखा हुआ था, याद आया? ये देखिए, यस मैम, ये देखिए एटीपी सिंथेज है लिखा हुआ। क्यों लिखा हुआ एटीपी सिंथेज, ऐसा क्यों लिखना चाहता है ये, क्या मोटिव है इसका? बस इतनी सी बात है कि ये एटीपी सिंथेज जो है यही रिस्पॉन्सिबल है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एटीपी बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज में हम एज लगाते हैं तो एंजाइम हो जाता है, तो एटीपी तो बना ही रहा है, एटीपी लिख दीजिए, बना रहा है, बनने को सिंथेसिस कहते हैं तो सिंथेसिस को सिंथेस बना दीजिए, रटना क्या है इसमें, याद हो गया बस, ठीक है? तो आपको मैं असाइनमेंट क्वेश्चन में भी दे दूंगी, अभी आपने एक नीट के एग्जाम का क्वेश्चन सीखा है, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएगा आपको। व्हाट इज द साइट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपको लिखा रहेगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो किसको टिक करेंगे? व्हाट इज द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं इसको, मैं लिख दूंगी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको शॉर्ट में ना, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलना है तो ईटीएस बोलना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलना है तो हम लोग इसको ईटीसी भी बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और एक्चुअली जैसे फुटबॉल का मैच देखा ना आपने, तो वहां पे अच्छा जो फुटबॉल का मैच होता है उसमें अगर प्लेयर फुटबॉल को पकड़ के अपने पास रख ले तो मैच होगा क्या? नहीं होगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसके बारे में, तो इलेक्ट्रॉन को आप देखेंगे इधर सुधर इधर सुधर इधर सुधर इधर, इसने क्या किया हुआ ना फुटबॉल बना के, खैर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा रही हूँ, लेकिन
अगर आप ये सीख गए कि व्हाट इज द साइट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, बस याद रखना है प्लांट फिजियोलॉजी तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है सेल चैप्टर की। और इसकी वजह से आपने नोटिस करा कि ये जो एक डायग्राम आपको यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ बार बार, उसमें इसने क्या करा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर एटीपी सिंथेस दिखा रखा है बहुत सारा, ठीक है, और फिर ये क्या करेगा यहाँ पे एटीपी बनाएगा। इसके पास फिर क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एम्प्टी डीएनए शॉर्ट में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, डीएनए होगा तो आरएनए बनाएगा, आरएनए होगा तो राइबोसोम बनाएगा, भाई ये तो दस्तूर है, ये रूल है, ये होगा ही होगा। और इसके पास क्या है, जो चैनल्स होते हैं ना उनको हम लोग क्या कहते हैं, पोरिंस कहते हैं, क्या कहते हैं, पोरिंस कहते हैं। कोई अगर आज के बाद से आपसे पूछे कि एक बात बताओ पोरिंस का मतलब क्या होता है, जो पोरिंस हम लोग बोलते हैं, तो एक्चुअली क्या है, सेलुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाला ना एक प्रोटीन है, तो मतलब पैसेज की तरह, जैसे आपने पढ़ा था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये प्रोटीनेशियस जो पैसेजेस हैं इनको हम लोग पोरिंस कहते हैं। और ये क्या करेगा, चीजों को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराएगा। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसको भी बहुत सारी चीजें जो है वो चाहिए, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम को अगर देखें तो ये 3D में है, इसके अंदर का स्पेस आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो फ्लूड भरा होगा दैट इज मैट्रिक्स, अभी सीख रखा है आपने। देन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विच पोजेस क्रिस्टा और क्रिस्टी, देन यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का है दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, और पिंक और ऑरेंज के बीच में जो स्पेस है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ पे एक क्रिस्टा है, दूसरा क्रिस्टा ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ पे ये मिल रहा है ना इसको हम लोग क्रिस्टी जंक्शन बोल देंगे बस। और एफ नॉट एफ वन कॉम्प्लेक्सेस जो है ना, पता है किसको बोल रहा है, ये देखिए, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये देखिए एफ नॉट एफ वन, ये एटीपी सिंथेस जो है ना इसके दो पार्ट्स हैं, वो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैं जो जो स्टेटमेंट बोल रही हूँ सो आप सुनेंगे ध्यान से, आपने क्या क्या सीखा है आपके एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग अगर आप देखना और सीखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ज्यादा ही खिचड़ी बना हुआ दिख रहा है तो उसको थोड़ा क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो क्या क्या सीखा आपने, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स टू मेम्ब्रेन्स दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। द इनर कंपार्टमेंट contains the fluid that is known as matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. आपको दिख रहा है ये continuous limiting boundary जो है ये बनाने का काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। Inner membrane forms a number of infoldings that are called as crista or cristae. अब एक चीज, ये अंदर की तरफ है क्रिस्टी या बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो हम लोग बोलेंगे towards the matrix. फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस क्रिस्टी, उसके आंसर में हम लोग लिखेंगे क्रिस्टी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। क्रिस्टी क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाने पॉइंट इट्स ओन डीएनए, सो इट्स कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ऑफ द सेल। लेकिन इसमें एक और चौंकने वाली बात क्या है, जो एक बार और मैंने आपको बताया था, एक बार और मैंने ये बात आपको सिखा रखी है कि अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में, यूकैरियोट, ठीक है, इतना तो क्रिस्टल क्लियर है सबको, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं किसी को। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए कैसा पाया जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है इसके पास, कैसा डीएनए पाया जाता है। सबसे बड़ी जो हैरानी की बात है वो यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को जब आप निकालिएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए आपके खुद के सेल के डीएनए जैसा नहीं है, न्यूक्लियस जैसा डीएनए कैरी कर रहा है वैसा नहीं है, इसके पास प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ डीएनए है। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द नेचर ऑफ या विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपने लिख दिया यूकैरियोटिक तो गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे उल्टा लिखना है। उल्टा बोलने का मतलब है खुद तो प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में लेकिन इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, पहली बात। उसी तरीके से ठीक, ये खुद अगर आप इसके सेल के साइटोप्लाज्म में खोजना स्टार्ट करें ना, ये आपको ऐसे ग्रेनुलर राइबोसोम्स दिख रहे हैं, यहाँ ये एटीएस राइबोसोम कैरी कर रहा है। लेकिन अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देखने का काम करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको कैसा राइबोसोम दिखेगा,
70S का दिखेगा और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कैसा दिखेगा, 80S दिखेगा, ये फर्क है। क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल, मेरी बात समझ आ रही है, है ना? ये सब बहुत ऑसम पॉइंट्स है। मैंने आपको बताया भी था कराते कराते 2016 का, तो डायरेक्ट नीट के एग्जाम का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स पोजेस द सेट ऑफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, जिसमें आपको दो दो का सेट दिया था, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को आपको टिक करना था, ठीक है? ये सब कुछ आपने याद कर लिया। रही बात भाई, जब किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो कैसा दिखता है, क्या मेजरमेंट है, ये हम जरूर लिखते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली अगर आप देखते हैं तो अगर इसको कोई बंद कर देना ऐसे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लेफ्ट वाला यहाँ पर, तो ये तो कटा हुआ है, इसको अगर ऊपर से ऐसे आप क्लोज कर देना तो एक्चुअली सही में ये कैसा करता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर शो करता है, सॉसेज शेप्ड कहते हैं इसको, ठीक है? डायमीटर की अगर हम लोग बात करें तो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इसका क्या होगा, लेंथ होगा, और 1 to 4 या 4.1 माइक्रोमीटर इसका क्या हो जाएगा, नहीं लेंथ है इसका 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, और डायमीटर की जब हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, ठीक है? बस सिंपल सी इतनी सी बात है, फटाफट लिखते जाएंगे। अब आपको ये ना, आपको एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें, टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का साइट, ये भी मैं लिख दूंगी। अब आपने सीख रखा है, कोई एफर्ट तो लगा नहीं आपको सीखने में, उसको मेंशन करने में क्या जाए। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, टाइम नहीं लगेगा आपको इसको करने में। सबसे पहली चीज वहीं से शुरू करते हैं, आपको भी अच्छा लगे जो आप बचपन से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल रीजन क्या है, बिकॉज इट सिंथेसाइजेज इट एटीपी, बिकॉज इट सिंथेसाइजेज एटीपी, और एटीपी के विद इन ब्रैकेट हम लोग लिख लेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मैम, हाँ मैम, इससे जो अंदर अपने रिएक्शंस करने होते हैं उसके लिए इसको एनर्जी नहीं चाहिए होगी? ये तो खुद ही उसका साइट है ना, ये उसी से जो एनर्जी लिबरेट हो रही है उससे ये खुद का भी काम चलाएगा, दूसरों को भी देगा, पावर हाउस यही हो गया। अब जैसे कहीं पे कोई पावर हाउस लगा है तो उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां भी उसी से भेजा जाता है ना? यस मैम। अब हम लोग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर बात करें तो ये आपको कैसे दिखेगा, स्टेन करेंगे तब आपको ये नजर आएगा, ऐसे अगर आप देखना चाहें तो आपको ये नहीं दिखेगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अभी आप बैठ के ना मेरे से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वो भी आराम से बहुत ही पैसिवली बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप इस टाइम में अगर कोई स्टूडेंट ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा हो या बैडमिंटन की तैयारी कर रहा हो या क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा हो, तो एनर्जी किसको ज्यादा चाहिए, वो फिजिकली एक्टिव स्टूडेंट को या आपको? तो जो फिजिकली एक्टिव है उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम ज्यादा खाएगा, टाइम टू टाइम ज्यादा ग्लूकोन डी पिएगा, उसको मतलब हर तरीके से एनर्जी चाहिए ही चाहिए। क्यों मैंने ये एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है पर सेल वेरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ऐसा नहीं कि एक फिक्स हमने बोल दिया, हमने बोला नहीं भाई इतना होगा तो इतना ही होगा। आप कल को जाके कोई ऐसी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए जिसमें आपको पता है कि नहीं भाई अब हमारा डाइट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा डाइट अगर आप फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा एटीपी आप खर्च कीजिएगा तो इसको बनाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो हम लोग उसके लिए पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. जैसी उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वैसा उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा. कम एक्टिव है, कम एनर्जी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं. आप दिन रात पड़े रहिए तो आपको उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे एक ही साथ क्या करते हैं, इसका जो डायमीटर है और जो लेंथ है उसको ऐसे कर लेते हैं. Zero point two to one micrometer. ये डायमीटर हो गया. फिर हम लोग बात करेंगे लेंथ के बारे में. यहाँ पे वन है ना, तो वन को यहाँ पीछे खींच लेंगे. बोलने का मतलब ये हो जाएगा 1 to 4.1, ये चेंज करना बस. 4.1 एक हो गया इसका डायमीटर, एक हो गया इसका लेंथ. चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे. ये तो वैसे भी याद है आपको, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इसका स्ट्रक्चर लिखना, स्ट्रक्चर जो है ना, क्योंकि आपके ब्रेन में प्रिंट हो चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes, ma'am. हाँ, इसके चलते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर. स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. पहली चीज, माइटोकॉन्ड्रिया contain two membranes. Pahla, outer membrane and dusra inner membrane. अगर कोई आपको बोले कि काम करो ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इसका इनर मेम्ब्रेन है इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ. ठीक है, ये भी आसान है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत है नहीं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको ऐसे. और टेबल जो आप बनाएंगे उसमें एक साइड लिख देंगे, क्योंकि इससे ना सारी चीजें, बहुत सारा स्टेटमेंट क्लियर हो जाए. इतना स्टेटमेंट बनाने से क्या फायदा. एक हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, इसका उल्टा कर देना उधर, और इधर हो गया इनर मेम्ब्रेन.
देखिए सबसे पहली चीज, कट टू कट बिल्कुल उल्टा अपोजिट पॉइंट लिखते हैं हम लोग. फर्स्ट थिंग इज दैट आउटर मेम्ब्रेन इज रेगुलर एंड यूनिफॉर्म, पहली चीज. दूसरी बात, आउटर मेम्ब्रेन नेवर पार्टिसिपेट एटीपी सिंथेसिस, इस सब का उल्टा करेंगे उस साइड. नेक्स्ट देन एक इसके पहले लिखना चाहिए था, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. आउटर मेम्ब्रेन एडिट कर दीजिए, इट लैक्स क्रिस्टा और क्रिस्टी. ये चीजें देखी आपने. अब दूसरे साइड में क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे. यहां पे था ना आउटर वाले में रेगुलर एंड यूनिफॉर्म, पोजेस मेनी इन फोल्डिंग्स. ठीक है, आगे यहां तो हम लोग करेंगे ही. इट कंटेन, यहाँ लैक्स था ना, इट कंटेन्स क्रिस्टा और क्रिस्टी इनर. ये कभी नहीं कर रहा था तो ये करेगा. इनर मेम्ब्रेन नेवर एंड नेवर को हटा दीजिए, हमेशा ही करेगा तो नेवर की क्या जरूरत है यहाँ पर. पार्टिसिपेट इन एटीपी सिंथेसिस. अब कई बनाने वाले 10 पॉइंट बनाते कैसे, जब हमने बोला कि एटीपी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा तो एक और पॉइंट निकल के सामने आता है. पता है क्या, एक और पॉइंट ये आता है कि इट कंटेन्स एटीपी सिंथेस, इट लैक्स एटीपी सिंथेस, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो आप इसको देख के बना सकते हैं. ये एक बेसिक बात जिससे आप इजिली क्या कर सकते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं किसी को? नो मैम. चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे. यस मैम, डन. दोनों एक ही पेज पे हो गया, ज्यादा लेक्चर लिखने से ही बच गया. मैट्रिक्स लिखिए, द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. एक नोट करके एक पॉइंट लिख रही हूँ आपको, देखिए यहाँ पे हमेशा आज के बाद याद रखें. कई बार हालांकि मैंने ये बात बताई है आपको, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर फ्लूड सेल का हुआ तो साइटोप्लाज्म बोलेंगे, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का हुआ तो मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर क्लोरोप्लास्ट का हुआ तो स्ट्रोमा बोलेंगे, तब हम उसको मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे. क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो मैं फ्लूड बताऊंगी आपको उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलेंगे. ठीक है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, द फ्लूड फिल्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, सारे ऑप्शन थे साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म मैट्रिक्स स्ट्रोमा. ये आप याद रखेंगे, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म. जब प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे तो आप सबको एक साथ ऊपर से देख रहे हैं ओवरऑल, लेकिन साइटोप्लाज्म का मतलब उसके ऑर्गेनेल्स वगैरह को माइनस करके सिर्फ सेल के फ्लूड कंटेंट को देख रहे हैं. ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये क्या है सबके बीच में वेरिएशन है, वैरायटी है. ठीक है, ये तो कई बार जब जब मैं पढ़ाऊंगी तब तब मैं बताऊंगी आपको. सेल का साइटोप्लाज्म आपको पता था, माइटोकॉन्ड्रिया आप सीख गए, क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ेंगे तो आप उसमें स्ट्रोमा भी सीख जाएंगे. ठीक है, और हालांकि याद भी हो जाता है बच्चों को देखते देखते. आगे जो फ्लूड भरा हुआ उसका नाम क्या है, मैट्रिक्स. अब एक और चीज जो मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ
क्रिस्टा और इनफोल्डिंग्स इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जहां भी इनफोल्डिंग दिखे सबसे पहला पॉइंट लिखिए इंक्रीजेस सरफेस एरिया विदाउट एनी डाउट। सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे मेंशन करनी है वो ये है कि इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। क्यों? फॉर मोर एंड मोर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये रीजन हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा ये एटीपी बनाने के लिए क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेगा। अब उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी जब मैं आपको बताऊंगी वहां पे सेम स्टेटमेंट कॉपी किया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एर माइटोकॉन्ड्रिया are the sites of aerobic respiration। क्यों aerobic respiration? अभी अभी देखा आपने, शायद आपने ध्यान नहीं दिया हुआ, वापस मैं आपको शो करती हूँ। देखिए जब अभी अभी आप क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डायग्राम देख रहे थे। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ना ऑक्सीजन है, ये थोड़ा बहुत ही लाइट सा इसलिए आपको दिखा नहीं होगा, आप अपने बुक में देख लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन की जरूरत जब पड़ रही है तो बोलने का साफ सीधा मतलब हुआ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एनएरोबिक होता तब तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता इसको। तो किसका साइट है ये? एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। ये सेम स्टेटमेंट प्लांट फिजियोलॉजी में भी लिखा हुआ है, कई बार घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ करके बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। अब जब हमने ये लिखा ही है माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो हम लोग एक काम करते हैं, लगे हाथ ये भी लिख लेते हैं यहीं से कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और अगर सिस्टम लिखा है तब तो हम लोग इसको ईटीएस बोलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिखा है तब ईटीसी बोलेंगे। बस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या, यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ये आपने देख ही रखा है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रह रहे हैं। हाँ एक मिनट, इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। ले लिया? हो गया? यस मैम। देन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वही लिखने वाले हम लोग। Mitochondria contain its own DNA, अपना DNA है इसके पास। So it is referred as semi-autonomous organelle of the cell। एक यही सेम स्टेटमेंट किसमें लिखेंगे हम लोग? क्लोरोप्लास्ट में लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे सिर्फ क्लोरोप्लास्ट चिपका देना। क्लोरोप्लास्ट कंटेन इट्स ओन डीएनए सो इट इज रेफर्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, क्योंकि एक ये है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
अब जब ये लिख ही रहे हैं तो बताना पड़ेगा आपको टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें दो बातें होंगी, कहीं कहीं पे किसी किसी किताब में लिखा है प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ डीएनए। अब बच्चे को पता ही नहीं प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ डीएनए क्या होता है तो कैसे काम चलेगा। बोलने का मतलब है कैसा है, ये सिंगल है, सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड तो खैर कॉपीराइटेड है, होगा ही होगा डबल स्टैंडर्ड। चलिए इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। हो गया, डन। और एक चीज याद रखेंगे, वाइल इट्स साइटोप्लाज्म, जब राइबोसोम अभी हम लोग लिखेंगे या फिर अगर हम इसके न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो इट्स न्यूक्लियस कंटेन यूकैरियोटिक टाइप ऑफ डीएनए। उसके पास यहाँ सिंगल है वहां मोरी नंबर होगा, यहाँ सर्कुलर है वहां लीनियर होगा, डबल स्टैंडर्ड तो फिर डीएनए होगा ही होगा। ठीक है, फिर टाइप ऑफ राइबोसोम पे आते हैं। टाइप ऑफ राइबोसोम 70S, टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया व्हाइल इट्स साइटोप्लाज्म contains ATS type of ribosome। कितनी बड़ी बात है ये, हो गया ये। यस मैम, लास्ट में जब हम बात करेंगे कि अगर कभी मन माइटोकॉन्ड्रिया का मन करे अपने नंबर को इंक्रीज करेगा करने का तो कैसे करेगा, ये तो फिजन करता है, इजिली टूट जाएगा और एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, बस इतना ही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। डन मैम। माइटोकॉन्ड्रिया एक बार देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं किसी को समझने में। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल। बस राइबोसोम समझा सकती है, जो आखिरी वाला पॉइंट है वो उसमें जरा आपकी आवाज कट गई थी। राइबोसोम में बस मैंने इतनी सी बात बोली कि राइबोसोम जो स्मॉलेस्ट ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल होते हैं, तो अगर हम सेल के साइटोप्लाज्म में देखेंगे ना तो उसके पास ATS राइबोसोम है, लेकिन अगर इसकी खुद के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात करें तो ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। बोलने का मतलब कैसा है, ये प्रोक्रियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम कैरी करता है। अब क्लियर है? यस मैम। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करेगा, फिजन के द्वारा डिवाइड करेगा। अब क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। हां मैम। मैम हाँ बोलिए। कुछ पूछना है किसी को? यस मैम, ये राइबोसोम में 70S टाइप और 80S टाइप्स का क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगी ना तब एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक ही राइबोसोम है 70S टाइप का 80S टाइप का। हालांकि 9th क्लास में पढ़ना था बट आप लोगों को याद नहीं होगा तो मुझे भी फिर वापस उसको जीरो से स्टार्ट करना है, तो मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? ओके मैम, ओके। असाइनमेंट क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ सर।
which type of genetic material is present in mitochondria? आंसर आप जानते हैं बहुत अच्छे से. इसके पास चाहे तो आप बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ डीएनए है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके पास क्या है, सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट और अवेलेबल है. ठीक है, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे. मेंशन द टाइप ऑफ राइबोसोम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. इसको भी जब हम लोग लिखते हैं ना, तो लिखते वक्त क्या किया जाता है, यहां भी स्टेटमेंट फॉलो किया जाता है प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम्स, और तब फिर लिखा जाता है यहाँ पे 70S टाइप. बोलने का क्या मतलब है 70S? How mitochondria increases its number. Same statement हम लोग follow करेंगे. Mitochondria divide by fission. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. मेंशन द साइट ऑफ ईटीसी और ईटीएस इन माइटोकॉन्ड्रिया. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ फ्लूइड फिल्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया. पता ही आपको नाम क्या है इसका, मैट्रिक्स है. अब एक क्वेश्चन को उल्टा कर रहे हैं हम लोग. व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रियन रेफर्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल of the cell? Answer में लिखेंगे because mitochondria contains its own DNA.
चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टा इन फोल्डिंग्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर पता है आपको? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर मोर एंड मोर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। नेक्स्ट, गिव द टर्म फॉर इनफोल्डिंग्स of inner membrane of mitochondria। आंसर लिखेंगे क्रिस्टी विद इन ब्रैकेट क्रिस्टा लिख लेंगे कि दोनों पता है आपको। नाइन्थ क्वेश्चन, mention the site of ATP synthase, enzyme का site पूछ लिया जा रहा है आपसे in mitochondria। Same answer, inner membrane of mitochondria। लास्ट क्वेश्चन आप जानते हैं एज इट इज लॉन्ग क्वेश्चन हर क्लास की तरह। एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? कोई डाउट नहीं किसी को? नो मैम। नो मैम, ऑल क्लियर।